सो आईफोन 13 मिनी, अगर मैं बात करूँ ये जो स्मार्टफोन एक बहुत ज़्यादा अच्छा भी देखने को मिलता है और काफ़ी बुरा स्मार्टफोन भी देखने को मिलता है। बुरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ ये जो स्मार्टफोन एक काफ़ी आपको कम साइज़ वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन देखने को मिलता है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ आईफोन 13 मिनी की, जो कि राइट नाउ हमें देखने को मिलती है वो है 42 से लेकर 45,000 के बीच में हमें आईफोन 13 मिनी देखने को मिल जाता है। तो क्या आपको 13 मिनी राइट नाउ 2023 में चूज़ करना चाहिए या फिर आपको किसी और स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए? अगर मैं बात करूँ पर्सनल ओपिनियन की, तो क्या आपको आईफोन 13 मिनी चूज़ करना चाहिए? तो डेफिनेटली नो, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन एक काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी हमें नहीं प्रोवाइड करता है। अगर मैं बात करूँ आईफोन 12 मिनी से, आप अच्छा आईफोन 12 को चूज़ कर सकते हो, आईफोन 13 को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसकी जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी वैल्यू भी देखने को मिल जाती है। अगर आपका बजट है 42,000 तक का, आपको आईफोन जो 13 है वो आप चूज़ कर सकते हो या फिर आप आईफोन 13 मिनी को चूज़ कर सकते हो। बहुत सारे अच्छे स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ 13 मिनी का ही अगर आपका प्लान है तो क्या आपको चूज़ करना चाहिए? अगर इसकी बात करूँ डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है, हमें 5.4 इंचज़ की OLED पैनल देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है, सेम जो सी हमें आईफोन 13 प्रो में देखने को मिलती है, वही सेम परफॉर्मेंस हमें आईफोन 13 में भी देखने को मिल जाती है। तो क्या अगर मैं बात करूं आईफोन 13 मिनी की कैमरा क्वालिटी कैसे देखने को मिलती है, कैमरा क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा में आईफोन 13 मिनी देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूं डिटेलिंग लेवल फोटोग्राफी अगर करना चाहते हो, व्लॉगिंग करना चाहते हो, तो आईफोन 13 की जो कैमरा क्वालिटी है वो बिल्कुल सेम आईफोन 13 और आईफोन 13 प्रो जैसी देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ बैटरी लाइफ की, बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप दिन में नॉर्मली यूज़ करते हो तो आपको बहुत अच्छी बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। तो क्या 2023 में यह स्मार्टफोन प्लान करना चाहिए? डेफिनेटली नो, क्योंकि आपको अगर मैं बात करूँ ये स्मार्टफोन एक अच्छी बजट वैल्यू फॉर मनी नहीं प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ आईफोन 12 को चूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ आईफोन 13 मिनी से, आईफोन 12 की जो फीचर्स है वो काफ़ी अच्छे भी हमें देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छा बड़ा साइज़ भी देखने को मिलती है। अगर आपका बजट है 42,000 तक का, तो आपको जो आईफोन 12 है वो आपको काफ़ी कम बजट में देखने को मिल जाएगा। उसकी प्राइसिंग हमें 33,000 तक देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ सिर्फ आपको 9,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ नंबर्स में ही फ़र्क देखने को मिलेगा। अगर आपका अगर आपका बजट है 42,000 तक का आप स्पेंड कर सकते हो, बट अगर आपका बजट है 42,000 तक का आप आईफोन 12 आईफोन 13 मिनी से अलावा आईफोन 13 मिनी की तरफ से जाने वाला आईफोन 13 को बाय करो, क्योंकि वहाँ पर आपको आईफोन 13 काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है। अगर आपको साइज से इशू नहीं है तब आप चूज़ कर सकते हो आईफोन 13 मिनी को, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिलता है। इससे कम भी हमें देखने को मिल सकता है, 40,000 तक का भी हमें देखने को मिल सकता है, डिपेंड करता है आप कहाँ से बाय करते हो। तो आप बाकी खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको आईफोन 13 मिनी चूज़ करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको लीव आउट कर देना चाहिए, आप आईफोन 12 मिनी को चूज़ कर सकते हो, आईफोन 13 मिनी को कोई भी अच्छी वैल्यू फॉर मनी नहीं प्रोवाइड करता। बाकी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर कोई डिशिक प्लीज का लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, सब वाला बेल आइकन दबाकर ऑल पर चैट जरूर करना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सकते। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तक के लिए गुड बाय।